आगरा में बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने विरोधी दलों पर जमकर कटाक्ष किया। डिजिटल इंडिया से लेकर साइकिल और 60 सालों की सत्ता पर जवाब मांगा। आकाश आनंद ने कहा कि बसपा के समर्थक अब वोट नहीं बल्कि राशन खरीदने के लिए जो थैला सरकार ने दिया है उसी खाली थैले को मुंह पर मारेंगे। आकाश ने आगरा और फतेहपुर सिकरी लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी के लिए वोट करने की अपील करते हुए कहा कि इस चुनाव में बसपा समर्थक अपनी ताकत दिखाएंगे। आकाश ने कहा कि बहन मायावती ने अपना पूरा जीवन भीमराव अंबेडकर और कांशीराम के बताए आदर्शों पर चलकर बिताया। बसपा मूवमेंट को आगे बढ़ाने का उनका सपना हम सभी पूरा करेंगे। आकाश ने पार्टी के मुद्दे भी बताए। सब बाबा साहब के बच्चे हैं, वो दिमाग से काम लेते थे, गर्म जोशी से नहीं। वो दिमाग से आगे अपना मूवमेंट को बढ़ाते रहे, अपने समाज को तरक्की देने के लिए करते रहे काम। तो साथियों, ये आपको अब दिमाग से सोचना होगा, दिल से नहीं। आपके बीच में जो बहरूपी हैं, वो किस तरह आप लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। साथियों, वो बहरूपी नीला पटका पहन के आएंगे, वो साथियों बहुजनों की बात करेंगे, साथियों वो आपसे बहन जी की भी बात करेंगे, वो बात करेंगे बाबा साहब की, वो आपके हकों की बात करेंगे। परंतु साथियों, जब बात वोट डालने की आए, जब बात आपके साथ संघर्षों में खड़े होने की आए, तब वो आपके नहीं, आपके अपने नेता की नहीं, विरोधी पार्टियों के नेताओं की बात करेंगे।